देश के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिली है। उत्तराखंड में 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों का 3% डीए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि संबंधी शासनादेश जारी दिया था। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा और यहां मौजूदा 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। प्रदेश के 16 लाख से अधिक कार्मिक इसका फायदा पाएंगे। प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। वहीं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को भी निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में बताया कि मैं राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% डीए देने का फैसला हुआ। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। उनियाल ने बताया कि प्रदेश राज्य सरकार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मुहर लगा दी है। पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बिजली के सरचार्ज की छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में ANM और GNM पदों पर वर्षवार नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्टाफ नर्सों के पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है।